उत्तर प्रदेश की कही जाने वाली राजधानी जिला लखनऊ से वार्ड गली बीरखां से जो सादतगंज तक रोड गया है, नाली का निर्माण ना होने के कारण जल भराव से 2000 लोगों से भी अधिक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आवागमन बाधित है, नाली का भराव है, मच्छरों का आगमन हावी है, जिससे बहुत सारे रोग यहाँ पैदा हो रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पानी की समस्या जो कि तो बनी हुई है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम लोग निरंतर बराबर एप्लीकेशन देते हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है। जल भराव हो रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है, बच्चों को बीमारियाँ लग रही हैं। इस तरीके की जिंदगी हम लोग यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, जिसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को भी लिखा, मगर कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई छोटी समस्याएँ पड़ती हैं, छोटी समस्याओं के लिए अगर हम जाते हैं नाली के लिए या पानी के लिए किसी चीज़ के लिए, तो मेन मकता वहाँ पे होता है कि आपके इलाके से आपकी आपकी तरफ से नहीं जीते। मेरा मतलब है जब नहीं जीते तो कम से कम गढ़ी पीरखा 85 नंबर वार्ड से तो जीते हैं। यहाँ पर हादसा किस प्रकार का हुआ? ये हादसा इस प्रकार हो रहा है कि आगे चल के नमाजी लोग जाते हैं, बच्चे उधर से पढ़ करके आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बस्ता लेकर बच्चा गिर जाता है। बच्चे होते सब कहाँ आते हैं? गढ़ी पीरखा मतलब वार्ड के ही तो होते हैं, वार्ड के बाहर के तो बच्चे होते नहीं। रिक्शे में आ रहा है, रिक्शे वाला जरा सा चूक जाता है, मोटरसाइकिल वाला कहता है गाड़ी वाला मैं पहले निकालो, रिक्शे वाला कहता है मैं पहले निकल, उस पर डिसबैलेंस हो जाता है, सवारियाँ गिर जाती हैं। अब इसके आगे जब हम जाके शिकायत लेके जा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं समस्या का समाधान इस तरीके से चाहता हूँ कि भाई यहाँ सड़क का निर्माण हो, जल भराव की निकासी हो और पानी स्वच्छ पानी मिले, जिससे हमारा लोगों का जीवन सही तरीके से चल सके। मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 105 गढ़ी पीरखां के सभासद अमित त्रिवेदी द्वारा इस रोड निर्माण का कार्य कराया जाए। इस नंबर पे कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इस रोड का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए। मैं मोहम्मद वसीम, उत्तर प्रदेश, जिला लखनऊ से, इंडिया अनर्ट के लिए।